क्वेश्चन दो हजार का सवाल है इट्स एज द एवरेज फोर्स नेसेसरी टू स्टॉप अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 250 मीटर पर सेकेंड एज इट पेनिट्रेट्स इन टू द वुड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ ट्वेल्व सेंटीमीटर विल बी सो सिंपल सवाल है कि ये आपका बोर्ड है उस बोर्ड के अंदर आपकी एक बुलेट आई और वो उसके अंदर एम्बेड हो गई सो so, मान लीजिए आपकी बुलेट है और ये बुलेट ऐसे आई उसके अंदर एम्बेड हो गई बुलेट जब इस पर टकराई है 250 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी थी और बुलेट यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि 12 सेंटीमीटर तक अंदर पेनिट्रेट की है और ये आपका फिक्स सिस्टम आने ये आगे मूव नहीं करेगा है ना सो उस केस में हमें ये बताना है एवरेज फोर्स नेसेसरी तो इस ब्लॉक ने कितना फोर्स इसके ऊपर लगाया नाउ इसको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एफ जिसकी वैल्यू एम ए होएगी उसको हम लिख सकते हैं दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन राइट एक काम करते हैं इसको हम एस थर्ड इक्वेशन यूज़ करते हैं मैं आपको एक और नई चीज़ सिखाता हूँ यहाँ पे ठीक है so, सो जब हम थर्ड इक्वेशन लिखते हैं हम लिखते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस अगर दोनों साइड पे हम uh, इसको एम uh, से मल्टीप्लाई कर दें और इस टू को नीचे ले आएँ तो ये हो जाएगा हाफ एम एम कॉमन ले लेते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू एम ए एस नाउ इसको अगर देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड जो बना है दिस इज़ कॉल्ड चेंज इन कानीटिक एनर्जी और राइट हैंड साइड जो बना है ये फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट है विच इज़ एक्चुअली वर्क डन सो यहाँ पे हमें ये बताना है इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी सो so, इसको आप एफ इन टू एस भी लिख सकते हैं सो so, इसके बेसिस पे हम कह है सकते हैं फोर्स विल बी इक्वल टू डेल्टा कान्टिक एनर्जी डिवाइड बाई डिस्प्लेसमेंट है उस एस को हम नीचे ले आए डेटा uh, आपने को दे रखा है यहाँ हमें से वैल्यू डालनी है सो चेंज इन कानेटिक एनर्जी को आप लिखेंगे हाफ मल्टीप्लाइड बाई एम एम एस जो हमें मास दिया हुआ दैट इज ट्वेंटी ग्राम सो हाफ मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री इतना ग्राम डिवाइडेड बाय चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी आपकी ज़ीरो है इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 250 मीटर पर सेकेंड है सो दिस विल बी ज़ीरो माइनस टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो आपका ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है दैट इज़ 12 सेंटीमीटर तो इसको हम 12 लिख लेंगे सो दिस विल भी इस टू को नीचे ले आते हैं सो दिस विल बी टू इन टू ट्वेल्व मल्टीप्लाइड बाई टेन टू दावर माइनस टू तो इसको हमने सॉल्व करना है और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा एफ की वैल्यू अगर नोटिस करेंगे तो माइनस में आ रहा है माइनस में आने का मतलब यह है कि आपका रिटार्डिंग फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन में लगा है सो ऑल वी नीड टू डू इस कैलकुलेट दिस इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे सो so हमारी एफ़ की जो वैल्यू आती है लगभग फाइव पॉइंट टू इंटू टेन टू द पावर थ्री न्यूटन इस रेंज में अपना फोर्स की वैल्यू आ जाएगी सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट आंसर